आज का ब्लॉग बहुत लेट स्टार्ट किया, क्योंकि जैसे कि कल के ब्लॉग में देखा होगा आपने, जो लैपटॉप का सेटअप है वो हुआ नहीं था, तो रात भर उसमें सेटअप पे लगना पड़ा, वो फिर भी नहीं हुआ था। फिर सुबह उठ के ही वो सेटअप कंप्लीट किया, और अभी जो टाइम हो गया लगभग 1:15 बज गया है। ऐसे ही बालकनी में गए थे, मैं बताया था कि यहाँ सीलन का बहुत दिक्कत रहती है, तो बालकनी में लास्ट टाइम हमने काम करवाया था तो सीलन ठीक हो गई थी अब, लेकिन वो फिर से सीलन जो है वो दिखने लगी है। ये एरिया सूखता है ना बार बार, फिर दिखने लगता है यहीं पे। ये वही मैं सोच रही हूँ, और जब तक ये प्लम्बर आएगा ना तब तक ही सूख जाएगा। और जो प्लम्बर है उसको हमने मॉर्निंग से कॉल किया हुआ है और अभी तक वो आया नहीं है देखने के लिए। अब जैसे ही धूप इतनी है, गर्मी इतनी है, अच्छा वो सूख जाएगा, फिर बोलेगा सर कहाँ आ रही है, ये बड़ा पंगा है इनके साथ है। तो अभी मैं ऊपर वाले फ्लैट में देख के आता हूँ एक बार कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। क्या कह रही हूँ, हमने मतलब हाँ इसमें क्या ना, जो सीमेंट बोर्ड का एक लगा हुआ जिससे पाइप कवर हो जाता है, तो वो मैंने इसीलिए मना किया था कि इन केस अगर कोई और दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो बाद में उतना काम फिर दोबारा वेस्ट नहीं होगा। नहीं तो अभी क्या होता है इसमें, अभी मैंने सिर्फ सीमेंट करवाया उसमें, और उसमें POP और पेंट नहीं करवाया। अगर वो भी करवाता तो फिर सीलन आती, फिर उसे तोड़ के फिर करवाना पड़ता, तो पूरा मटेरियल वेस्ट, तो वेस्ट ऑफ मनी भी होता साथ में। तो अभी ऊपर जाके देखता हूँ कि इससे ही कोई इशू है, इसके ऊपर कहीं से इशू है, बाकी वो सब तो प्लम्बर बताएगा। अभी फिलहाल ऊपर वाले फ्लोर पे जाके देखते हैं, वहाँ कुछ अगर बालकनी में दिखता है कि उनकी बालकनी में कोई सीपेज का इशू आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर उनके इसमें नहीं आ रहा होगा तो फॉल्ट इसका मतलब यहीं से है। देखते हैं अगर उनके इसमें भी आ रहा होगा तो फॉल्ट कहीं ऊपर से होगा। तो अभी ऊपर देख के आया, तो ऊपर मुझे तो लग रहा है वैसे हल्का सा सीलन है, वहाँ भी तो ऊपर से कहीं से कुछ फॉल्ट चल रहा होगा, जो हमारे ऊपर वाला फ्लोर है उसके ऊपर से कहीं कुछ इशू होगा। और अभी जो है सोसाइटी में एक फ्रेंड है, उसने फ्लैट लिया हुआ है, तो जरा उसके फ्लैट पर चल के देखते हैं, मतलब क्या काम हुआ है या आज उनका गृह प्रवेश हुआ या नहीं हुआ, तो वहाँ जाके देखते हैं अभी एक बार। तो बताया था हमने इस फ्रेंड का गृह प्रवेश हुआ है, तो ये है वो फिलहाल, तो ये है फिलहाल। अभी बताओ जाए कहाँ हो तुम? मंदिर की पूजा पंडित जी कहाँ से आए थे भाई? पंडित जी ऑनलाइन ऑनलाइन, हाँ ये कोविड ना और कुछ ना, मतलब कम से कम ऑनलाइन गृह प्रवेश भी करवा दे रहे पंडित जी अब तो। बाकी ये किचन है इनका, अभी तो कुछ ऐसा सेटअप वेटअप हुआ नहीं है जो है, अभी सब कुछ खाली है फिलहाल तो, कभी जब ये कंप्लीट पूरा वो हो जाएंगे उसके बाद जाके हम दिखाएंगे। फिलहाल वहाँ फ्रेंड के यहाँ गए थे, तो जहाँ गृह प्रवेश की ऑनलाइन पूजा हुई थी, तो वहाँ से आ गए, और मतलब आ गए थे वहाँ से पहले आ गए थे, और मैं जो है यहाँ पे बैठ के ऑफिस का काम कर रहा था। तो अब ऑफिस का काम भी लगभग कम्प्लीट हो गया है, जो भी मेरी ट्रेनिंग्स थी वो अभी इन प्रोसेस में चल रही हैं, वो हो जाएंगी धीरे धीरे। और इसी बीच जो है मैडम का भी ऑफिस का काम कम्प्लीट हो गया, और अब जो है ये बिल्कुल सज धज के तैयार हो के, और अभी जैसे नवरात्रों का वीक चल रहा है इस टाइम पे, तो कहीं से बुलावा आया है, फर्स्ट टाइम ये कीर्तन मंडली में जा रही हैं यहाँ, तो ये यहाँ पे रेडी हो चुकी हैं। तो कैसा लग रहा है भाई फर्स्ट टाइम जाते हुए? अच्छा लग रहा है, रेडी हुई हूँ काफी टाइम बाद। ये प्लेट्स मैंने बनाई हैं। ये नहीं बताना था चलो कोई नहीं, तो ये चीज़ है। तो अभी दूर जाना है इसी अपने टावर में ही है, तो अपने टावर में जाना, ज़्यादा दूर कहीं जाना है नहीं, और वैसे भी ऑफिस का पूरा काम अब निपट गया है। तो अभी ये जाते हैं, वहाँ भजन कीर्तन होगा, तो वहाँ वो भी होगा, भजन गाओगे या फिर डांस भी होगा? नहीं पता ना, फर्स्ट टाइम है। तो भजन में किस तरीके से डांस होता है मुझे नहीं पता, डांस तो आना करके दिखाओ। मैं क्यों करूं डांस? वहाँ भाई साहब इतना वेट करने के बाद कीर्तन में सर जो लोग हैं वो आ गए। क्या हुआ भाई, क्या हुआ कीर्तन में? कुछ नहीं, तो कीर्तन हुए, भजन में हुआ, डांस वांस हुआ? हाँ। तुमने किया? नहीं। क्यों? किया थोड़ा सा। वीडियो नहीं बनाया किसी ने? क्यों, आपको दिखाना है क्या? अरे मतलब आप ही बताओ, आपने उस वाली बालकनी से कपड़े क्यों उठाए?
देखिए मतलब बड़े बड़े लोग नहीं सर्विस कर पाते हैं, छोटा सा बच्चा सर्विस कर रहा है। तेजस मैं सिखा दो, मुझे नहीं आती। लो मुझे बताओ कैसे पकड़ना है, पकड़ना के पहले पकड़ शटल कैसे पकड़नी है। हाँ अरे वाओ, मारो फिर से एक बार और। हाँ अरे क्या बात है यार, तुम्हें किसने सिखाया, किसने किसने सिखाया तुमको, किसने सिखाया, पापा ने सिखाया।